वॉरेन बुफे का जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा में हुआ है। उनको एक अमेरिकी निवेशक के रूप में जाना जाता है। उन्हें शेयर बाजार की दुनिया में सबसे महान निवेशकों में से एक माना जाता है और वो बर्कशायर हैथवे कंपनी के सीईओ है। वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संख्या में आते हैं और 2008 के समय पहले स्थान पर रह चुके हैं। इनकी कुल संपत्ति $62 अरब है। 11 साल की उम्र में इन्होंने पहला शेयर खरीदा। मामूली सा फायदा होने पर इन्होंने वह शेयर बेच दिया, लेकिन थोड़े दिन बाद वह शेयर 500 गुना बढ़ गया। उन्होंने इस घटना से एक लेसन सीखा, यदि स्टॉक मार्केट में रहना है, मार्केट में उथल पुथल होने की जगह आपके अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी। एक वॉरेन बुफे सक्सेस स्टोरी इन हिंदी। 13 साल की उम्र में इन्होंने अपना इनकम टैक्स भर दिया। यह बचपन से जानते थे कि मैं धनी आदमी बनूंगा और इसी सोच के आधार पर यह अपने कार्य करते आए। इन्होंने अपने दोस्तों की बताया कि अगर मैं 30 साल तक अरबपति नहीं बना तो सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद कर आत्महत्या कर लूंगा। यह बचपन में सुबह सुबह अखबार बेचने लगे और यह उससे महीने के $175 कमाते थे, जो इनके टीचर से ज्यादा थे। इन्हीं 16 की उम्र में $50,000 की कमाई कर ली। जहां दुनिया के अमीर लोग अपनी संपत्ति को लाइफस्टाइल में खर्च करते हैं, यह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान करने में विश्वास करते हैं और अपना जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह बिताते हैं। यह कहते कि अपने सपने सोच विचार को कायम रखे, दुनिया के आधार पर अपने सपने को मत जलाइए, और अगर आपका रास्ता सही है, आप सही काम कर रहे, तो आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। सक्सेस टिप्स बाय वॉरेन बुफे। वह कहते हैं कि अपने आप को उन लोगों के बीच में रखिए जो आपसे बेहतर है। आप उनके साथ रहिए जो आपसे बेहतर है, क्योंकि आपसे कमजोर लोग आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। तो आपको उन्हीं लोगों से मिलना, बातें करना चाहिए जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जो आपसे आगे हैं। वॉरेन बुफे कहते हैं कि किसी भी काम या बिजनेस में निर्णय लेने में देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो निर्णय लेने में देरी करता है वह अच्छा बिजनेसमैन या लीडर बन ही नहीं सकता है। हमेशा अपने समय का सदुपयोग कीजिए और समय का महत्व हर व्यक्ति को समझना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति का दुरुपयोग करता है वह जीवन में कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, बड़ी सफलता के लिए आपको अपने उद्देश्य को पहचानना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य के आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि अपने ज्ञान में इन्वेस्ट करना, नॉलेज बढ़ाने के लिए जरूर करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज ही आपको दुनिया से अलग बनती है। वॉरेन बुफे आज भी दिन में 500 पेज पढ़ने की कोशिश करते हैं।